गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भागलपुर निकाय चुनाव में उनकी पत्नी सविता देवी के हार के कारणों को बताते हुए कहा कि चुनाव जीतने वाली डॉक्टर वसुंधरा लाल ने चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च किए और उनसे भी ज्यादा सीमा शाह ने 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जदयू विधायक ने कहा कि हम लोग पैसे वाली पार्टी नहीं है, पैसे देकर वे लोग वोट नहीं लेते। गोपाल मंडल ने हार के दूसरे कारण को गिनाते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी काफी पहले से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वे एकाएक चुनावी मैदान में आए, यह भी एक कारण था। विधायक ने पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले पर कहा कि छात्रों को शांत करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। आए तो भारतीय जनता पार्टी जीती सर, आप भी मैदान में थे, हम भी मैदान में, सही बात है सर। लेकिन चूंकि पहली बार शहर में चुनाव लड़ाए थे और हुआ कहीं ना कहीं चूक, एकाएक तैयारी में आए, वो लोग पहले से घूम रहा था, जिसमें बंद भी हुआ उसमें भी घूम रहा था, हम घुमाने थे, हमको ये काम थोड़ो है क्या अगले बार से। और सुनिए ना, पैसवा का कम से कम क्या कहा जाए, यही थी जो चुनाव जो जीती 5 करोड़ खर्च किया और उससे बढ़ के सीमा सा किया 6-7 करोड़ किया, लेकिन हार गया। कुछ कमी रह गई आपकी तरफ से? नहीं, हम पैसा वाला पार्टी नहीं है, अब पैसा लेके देखिए हम नहीं करते हैं काम, चुनाव जीते या हारे पैसा तैसा नहीं देते हैं किसी भी चुनाव में। धन्यवाद। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। आए दिन यहां कभी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन और कभी छात्रों का धरना प्रदर्शन तो कभी छात्र नेताओं का धरना प्रदर्शन हुआ करता है। आज एक बार फिर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं प्रशासनिक भवन के सामने बैठ गए और विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे विश्वविद्यालय में घंटों कार्य बाधित रहा। विश्वविद्यालय के कार्यालय के कार्य को घंटों बाधित किया गया। दरअसल स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा तिथि 19 जनवरी की है। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो सका है, ऐसे में इतनी जल्दी परीक्षा कैसे दे सकेंगे। इससे पहले विरोध किया तो उसके बाद तिथि बढ़ाई गई, लेकिन पुनः 19 जनवरी कर दी गई। मांग है कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। पार्ट 3 की परीक्षा का मुद्दा विश्वविद्यालय में तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उसी निर्धारित तिथि में परीक्षा देने की बात हो रही है, तो दूसरे गुट उस तिथि को आगे बढ़ाने की बात करते दिख रहे हैं। वाले मैथ स्टूडेंट वाले, साइंस वाले, जिनका प्रैक्टिकल होता है, वो कैसे एग्जाम देंगे? वो क्या लिखेंगे एग्जाम? उनको भी मैथ्स पढ़ना, हम लोग को भी तो क्या कहते हैं एग्जाम क्या कहते हैं देना है ना। ऐसा सिर्फ नहीं है ना कि उन लोग को एग्जाम देना है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम दिल्ली से आए हैं, तो आपको दिल्ली से आए हैं तो सब लोग यहाँ बस पढ़ रहे हैं, सबको एग्जाम देना। आप 4 लोग सिर्फ एग्जाम देने यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, आप लोग का थ्योरी पेपर आप लोग रट के दे दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी तो पूरे स्टूडेंट का है ना, तो आपको सबका सुनना पड़ेगा। बीसी सबका सुनता तो है नहीं, 4 का सुन के एग्जाम वापस वही डेट पे कर दिया, एग्जाम का डेट आगे बढ़ाए, हम लोग को टाइम दे ताकि हम लोग पढ़ के एग्जाम दे सके। ऐसे कैसे नहीं पड़ेगा, ये आर्क्स है वो आराम से दे देगा, वो उसमें कुछ भी लिख के आई डोंट केयर। जिसका अकाउंट्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, वो सब 4 पेपर इतने कम दिनों में कैसे कंप्लीट करेंगे? हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टैक्स, हम लोग अभी उसको छुए भी नहीं है, जब तक वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग आगे सीए का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को नॉलेज तो होना जरूरी है ना, 3 महीने में कोई माइकलाल नॉलेज नहीं दिला सकता है। पूरी मामला बताइए, मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है 3 महीने में, जब कोरोना काल की वजह से 1 साल लेट चल गए हैं, तो हमारा एग्जाम का डेट थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे सके। मेरा कहना ये है, जब पार्ट 1 में जब आप सारा कॉलेज या सारा यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहा था, तो आप प्रमोट नहीं किए, हम लोग एग्जाम लिए ना, लेट से लिए लेकिन लिए। तो अभी जब हम लोग का लास्ट ईयर है, जब 2 साल हम लोग बर्बाद कर ही दिए, लास्ट ईयर में टाइम दीजिएगा ना हम लोग को पढ़ने के लिए। जब डिग्री मैटर करता है हर जगह, तो हम लोग अपना डिग्री कैसे खराब कर दें? जब खराब करना ही तो एग्जाम नहीं देते, बिना नॉलेज के हम लोग एग्जाम को नहीं करना है अपना लाइफ। ये बढ़वाना चाह रहा है, क्यों बढ़वाना चाह रहा है? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? लेकिन 3 दिन पहले ही जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और डेट आगे बढ़ गया था जी, तो फिर दूसरे ग्रुप वाले जो आकर के जो है आपके साथी आकर के जो उसको डेट को वही सेम डेट रखा गया जी, 2-4 के कहने से सेम डेट क्यों? अब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में?
लेकिन आपके तो साथी सबसे पहली बात, अभी कॉलेज में बाकी कॉलेज में एडमिशन चल ही रहा है, अभी 10 दिन पहले एडमिशन का चल रहा था, 10 दिन भी नहीं हुआ है, अभी हमारा एडमिशन हुआ है तो आप कॉलेज से पूछे कॉलेज क्या पढ़ाया है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है? अभी टीचर को बुलाइए और पूछिए आप सिलेबस में क्या पढ़ाए हैं, सिलेबस का एज भी नहीं पढ़ाया गया है कॉलेज में, तो एग्जाम कैसे देंगे हम लोग? आप चाहते क्या है? एग्जाम का वक्त पढ़ाइए, हम लोग को टाइम दीजिए, एक मंथ का भी टाइम दीजिए कि हम लोग पढ़ के एग्जाम दे सके। भागलपुर जिले के खुशबूदार कतरनी चूड़ा का स्वाद इस बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ गणमान्य लोग भी चख पाएंगे। आज विक्रमशिला ट्रेन से आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 क्विंटल कतरनी खुशबूदार चूड़ा दिल्ली के बिहार भवन भेजा गया। वहां से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावे कई गणमान्य लोगों को भागलपुर की खुशबूदार कतरनी चूड़ा का उपहार भेंट किया जाएगा। बता दें, बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं जिला कृषि विभाग के प्रयास से भागलपुर कतरनी को बढ़ावा देने के लिए GI टैग भी मिल चुका है। कतरनी को बढ़ावा देने के लिए नोडल प्रभारी व कर्मचारी की टीम भी गठित की गई है। भागलपुर कृषि विभाग आत्मा के उप महानिदेशक प्रभात सिंह एवं लेखापाल प्रेम कुमार सिंह खुद भागलपुर से चलकर दिल्ली बिहार भवन पहुंचेंगे और वहां से महानुभावों को यहां की खुशबूदार कतरनी चूड़ा का स्वागत भेंट दिया जाएगा। हम आपको बता दें, भागलपुर कतरनी उत्पादन के लिए भागलपुर के जगदीशपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर, अमरपुर एवं जमुई का क्षेत्र है जहां खुशबूदार कतरनी चूड़ा और चावल की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। वर्तमान में पूरे जिले में 496 एकड़ में कतरनी की खेती की जाती है। कतरनी की खास बात यह है कि यह काफी खुशबूदार होता है और सुपाच्य होता है। अब अपने सुगंध और स्वाद के कारण विश्वविख्यात हो गया है, तो इसको जिला प्रशासन की ओर से इसे बिहार भवन नई दिल्ली भेजा जा रहा है। 3 क्विंटल चूड़ा हम लोग लेकर के बिहार भवन जा रहे हैं। असल में इसका GI प्राप्त हुआ है भागलपुर को और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी सुधार हो रहा है। तो इसको हम लोग वर्तमान में जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से दिल्ली स्थित गणमान्य के संदेश स्वरूप में भेजा जाता है। जी, मेरा नाम मनीष हुआ और मेरा घर आभा रतनपुर सुल्तानगंज प्रखंड में हुआ और पिछले साल भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को यहाँ से चूड़ा सौगात के रूप में जिला प्रशासन और आत्मा के द्वारा भेजा गया था और इस बार भी 3 क्विंटल चूड़ा आज विक्रमशिला से जिला प्रशासन और आत्मा के तरफ से आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह लेके गए हैं। ये चूड़ा डायरेक्ट भागलपुर से बिहार भवन जाएगा, वहाँ से अन्य गणमान्य के लिए वहाँ से जाएगा उनके यहाँ। ये जैविक विधि द्वारा तैयार किया गया कतरनी है। कतरनी अपने सुगंध के लिए जानी जाती है, विशिष्ट पहचान है, इसे GI टैग मिला है भागलपुर को। धन्यवाद। तो ये जैविक विधि द्वारा जो खेती की जाती है, आपके द्वारा की गई? जी, जैविक विधि द्वारा हमारे उद्यान में, हमारे खेत में जैविक विधि द्वारा ही खेती की जाती है। और आपके उद्यान से ये चूड़ा? ये हमारे यहाँ से पिछले साल भी गया था और इस साल भी गया। कितने सालों से भेजने का काम कर रहे हैं? 2 साल से जा रहा है, विगत 2 साल से गणमान्य को चूड़ा जा रहा है। भागलपुर में नए SSP के आगमन के बाद अपराधियों पर नकेल कसने के सिलसिले में तेजी आई है। 24 घंटे के अंदर भागलपुर पुलिस को बरारी थाना और मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बाबत पुलिस द्वारा छापेमारी करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, वहीं देसी कट्टे के साथ लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया। एक तरफ जहां पुलिस अधीक्षक बाबूराम की विदाई हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अपराधियों द्वारा नए नए अपराध का षड्यंत्र गढ़ा जा रहा था, जिसको पुलिस टीम ने नाकाम कर दिया। वहीं SSP आनंद कुमार ने बताया कि 2 जनवरी की रात को विक्रमशिला सेतु पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें DSP सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था और गुप्त सूचना के आधार पर घटना में शामिल अपराधी अमित को एक अपाचे मोटरसाइकिल और देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं उसकी निशानदेही पर 2 अन्य अपराधी शिवम को नवछिया के परबत्ता थाना से गिरफ्तार किया गया। वहीं तीसरे अपराधी रिंटू को बरारी के शमशान घाट के निकट से गिरफ्तार किया गया और इन दोनों के पास से
दो देसी कट्टा और लूटा हुआ मोबाइल फोन और सिम भी बरामद किया गया। वहीं दूसरी ओर नाथनगर के नूरपुर बीआरसी के सामने से एक अपराधी अमित कुमार शाह की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से दो सिक्सर भी बरामद हुआ है। एसएसपी ने बताया कि अमित का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा दो बड़ी सफलता पिछले 24 घंटे में अर्जित की गई है। 2 जनवरी की रात्रि में एक लूट हुई थी और ये विक्रमशिला पुल पर, जिसमें कि 10,000 रुपया और एक मोबाइल लूटा गया था एक ग्रुप के द्वारा, और उसमें काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। उसमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जो कि इस घटना में शामिल जो अपराधी हैं उनकी पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार काम कर रही थी। कल इस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि जिन अपराधियों ने इस घटना को कारित किया है, वह पुनः अपराध करने के लिए उसी पुल के आसपास कहीं भटक रहे हैं, और इस टीम ने पूरे चारों तरफ से घेराबंदी की और उसमें से एक अपराधी जो अमित था, उसको मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई। और उसके पूछताछ के आधार पर 2 अन्य अपराधी, एक शिवम जिसको हम लोग नौगछिया से गिरफ्तार करके लाए, नौगछिया के परबत्ता थाना से, और जो तीसरा अपराधी है रिंटू, उसकी गिरफ्तारी ये बरारी में शमशान घाट है उसके पास से हुई। और इन लोगों के पास से 2 कट्टा और एक के पास से जो सिम कार्ड जो लूटा गया था वो उसके मोबाइल में लगा हुआ मिला रिंटू यादव के, और जो शिवम है उसके पास से लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने इस लूट की घटना का गिरफ्तारी एवं लूटे हुए सामानों की बरामदगी सहित इस घटना का सही तरीके से उद्भेदन किया है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिले के विधायक सहित जिला पदाधिकारी एवं सभी विभाग के पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं धीमी गति से चल रहे विकास के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। 4-लेन और विक्रमशिला पुल के पास बनने वाले समानांतर पुल निर्माण को लेकर की जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। वहीं सुल्तानगंज से अगवानी को जोड़ने वाले पुल के कार्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। विकास के कार्य में दिशा के बैठक में आज सभी माननीय विधायक ललित आओ, पवन आओ, ललन आओ सभी थे, और सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को जो उठाया गंभीरता पूर्वक उनको लिया गया। उनमें NH 4 लाइन, नल जल का योजना, स्वास्थ्य का योजना, शिक्षा विभाग, ये सारी विभाग जितना था सबों ने अपनी अपनी क्षेत्र की जो समस्या था रखा, और उनमें सब समस्या को समाधान किस तरह किया जाए विभाग को निर्देशित किया गया। विकास का कार्य जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा वो तो प्रगति रिपोर्ट में प्रगति पर है। और कुछ कमियां पाई गई? जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई उस कमियों को सुधार करने का निर्देशित किया गया। पुल बनना है वो तो पुल बनेगा ही, लेकिन अब कुछ लेट हो गया, 1-2 महीना कहिए, 6 महीना के लिए, लेकिन बनना पुल बनना तय है, क्योंकि उसका पैसा उसका सब तो आकर के बैठा हुआ। भोलानाथ फ्लाईओवर पे भी जो समस्या लगा है उनके लिए टेक्निकल, आज रेलवे के भी लोग यहाँ थे, उस पर भी एक बात किया गया कि उसकी भी समस्या का समाधान कर लिया जाए। 23 में सब काम शुरुआत कर दिया जाएगा। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से असहाय व जरूरतमंद लोगों के बीच लगातार कंबल का वितरण किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में लगातार कंबल वितरण के तहत बरारी दुर्गा स्थान में 40 असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण का कार्य किया गया। ठंड के बढ़ते मौसम में गरीब व असहायों की परेशानी को देखते हुए समय पर सोसाइटी द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है, जो काफी सराहनीय कार्य है। कड़ाके की ठंड में असहायों की सेवा ही मानवता की सेवा है। सोसाइटी अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि सोसाइटी हमेशा लोगों की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करती है, मानव सेवा करना परम धर्म है। इस अवसर पर 40 बुजुर्ग वृद्ध व जरूरतमंद लोगों को कंबल दिया गया। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्य आभा पाठक, रूपा सहाय, पप्पू कुमार शर्मा, ग्रामीण वशिष्ठ तथा अन्य लोग मौजूद थे। कंबल मिला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कंबल बढ़िया था? बहुत बढ़िया था। बढ़िया था ना? डॉक्टर साहब के नेतृत्व में
बहुत अच्छा रहा। यहाँ सभी गरीब महिलाओं को वीडियो को कम्बल बांटा गया। लगभग कितने कम्बल बांटे गया? लगभग 40 कम्बल कम्प्लीट बांटा गया जी। 40 कम्बल कम्प्लीट बांटा गया। ये कौन सा मोहल्ला है? ये बरारी मोहल्ला। बहुत कड़ाके की ठंड है और जीवन जागृति सोसाइटी लगातार कई वर्षों से कंबल वितरण का कार्य कर रही है और इसमें मैं उन महानुभावों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें हमें आर्थिक सहयोग किया है और जीवन जागृति सोसाइटी के तमाम सदस्यगण इसमें कंबल वितरण में सहयोग करते हैं। आज वशिष्ठ जी के नेतृत्व में बरारी में कंबल वितरण का 40 महिलाओं एवं पुरुषों के बीच हम लोग कंबल वितरण किए। बढ़ती ठंड ने एक तरफ जहां रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, वहीं दूसरी ओर लोग घर से बाहर निकलकर सुबह सुबह मैदानों में पहुंचने से भी परहेज कर रहे हैं। आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि तापमान में गिरावट आई है लेकिन अभी भी भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड में मॉर्निंग वॉकर पहुँच रहे हैं। उनका कहना है कि ठंड बढ़ी है लेकिन हमें स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैदान में बाहर निकलते हैं और रोजाना मॉर्निंग वॉक करते हैं। हालांकि जो बच्चे सुबह के वक्त मैदानों में नजर आते थे वो अब पूरी तरह से घरों में बंद हैं। भागलपुर की सामाजिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह को भागलपुर के प्रबुद्ध जनों एवं समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया जाना है। यह सम्मान समारोह 8 तारीख को खंजरपुर स्थित एक स्थानीय होटल में आयोजित किया गया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह को हाल के ही दिनों में उनकी विशिष्ट सामाजिक कार्यों के मद्देनजर भारत सरकार के द्वारा भारतीय खाद्य निगम बिहार क्षेत्र की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। इसी को लेकर यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है जिसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह का सम्मान समारोह सह नागरिक अभिनंदन किया जाना है। इसी सिलसिले में आज एक बैठक का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। आज की जो बैठक है वो डॉक्टर अजय कुमार सर सिंह सर जो है ये बने हैं अभी भारतीय खाद्य निगम बिहार क्षेत्र की सलाहकार समिति के सदस्य, तो हम लोग मिलकर के उनका नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। तो इसी के निमित्त बैठक थी कि कैसे कैसे क्या करना है, किस प्रकार से होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे, उसकी रूपरेखा के लिए एक बैठक थी बस। कार्यक्रम 8 तारीख को 3 बजे से होना है होटल गैलेक्सी 16 में जो छोटी खंजरपुर में स्थित है।